हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किस स्विंग टेस्ट स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि आप अपनी वॉचेस में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा। इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा स्विंग टेस्ट स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग टेस्ट स्टॉक है, उसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं सस्टेन अबव 1065। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर वे होंगे 1088, 1105 एंड 1125 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 21 रुपीज नीचे 1044 के लेवल पर, और इस स्टॉक होल्डिंग टाइम होगा 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं कोरोमंडल को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसा कि आप साथ देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे वे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ ट्रेंड लाइन की। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमने चार्ट पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए अभी एक सपोर्ट का काम कर रही है, और इस ट्रेंड लाइन पर इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट बनाने के बाद हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में बाइंग लेवल की। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, अभी इस स्टॉक में हमें एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है, और इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा जैसे ही स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में या आगे आने वाले दिनों में 1065, जो कि आज के दिन का हाई है, इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचेस में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 1065 के लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर आधे से घंटे सस्टेन कर जाता है ड्यूरिंग द डे, तब इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 1088, 1105 एंड 1125। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा 1044 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो था कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपने वॉचेस में ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही इसमें डिस्कस करेंगे लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।